कि वीर की एक बूंद भी स्खलित हो जाए तो महागर्त में गिर रहे हो, बड़ी जीवन ऊर्जा नष्ट हो रही है। हिंदू मानते हैं कि 40 दिन में भोजन करने से एक बूंद वीरी बनता है, सरासर असत्य झूठ बात है, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। लेकिन बच्चों को डराने के लिए ईजाद की गई है, और बच्चे डरते हैं वो तो ठीक है, बूढ़े भी डरते हैं। एक साधारण पुरुष 70 वर्ष के जीवन में कोई आसानी से 4000 बार संभोग कर सकता है। प्रत्येक संभोग में कोई 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक वीर्याणु स्खलित होते हैं। एक शरीर के भीतर इतने वीर्याणु हैं कि अगर प्रत्येक वीर्याणु गर्भस्थ हो जाए तो इस पृथ्वी पर जितनी जनसंख्या है वो एक जोड़े से पैदा हो सकती है। 4 अरब व्यक्ति एक स्त्री और एक पुरुष से पैदा हो सकते। और ये जो वीर्य है ये कोई आपके भीतर संचित संपदा नहीं है कि रखा हुआ है, इसमें से कुछ निकल गया तो कुछ कम हो जाएगा। ये वीर्य प्रतिपल पैदा हो रहा है, शरीर श्वास ले रहा है, भोजन कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, ये वीर्य पैदा हो रहा है। और आप हैरान होंगे कि जो आधुनिक खोजें हैं चिकित्सा शास्त्र की वो बड़ी भिन्न विपरीत है। वो कहती हैं जो व्यक्ति जितना वीर्य का उपयोग करेगा उतने ज्यादा दिन तक पुंसत्व उसमें शेष रहेगा। जो जितने जल्दी भय से बंद कर देगा वीर्य का उपयोग या संभोग उतने जल्दी उसका वीर्य खो जाएगा। क्योंकि जब तुम वीर्य का उपयोग करते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर को फिर वीर्य पैदा करने की क्रिया में संलग्न होना पड़ता है। जब तुम वीर्य का उपयोग नहीं करते तो शरीर को संलग्न नहीं होना पड़ता, धीरे धीरे शरीर की क्षमता वीर्य को पैदा करने की कम हो जाती है। ये बहुत उल्टा दिखाई पड़ेगा। जो लोग जितना ज्यादा संभोग करेंगे उतनी लंबी उम्र तक संभोग करने में समर्थ रहेंगे, जो लोग जितना कम संभोग करेंगे उतने जल्दी रिक्त हो जाएंगे और चुप जाएंगे। तो पश्चिम में चिकित्सक समझाते हैं कि बुढ़ापे तक 70 और 80 वर्ष और 90 वर्ष तक भी अगर संभोग जारी रखा जा सके तो तुम्हारे ज्यादा जीने की संभावना है, क्योंकि शरीर तुम्हारा ताजा रहेगा। वीर्य बाहर जाता है तो नया वीर्य शरीर पैदा करता है, और नए वीर्य में शक्ति होती, ताजगी होती, पुराना वीर्य धीरे धीरे बासा हो जाता है, जड़ हो जाता है। और वीर्य की जड़ता के साथ तुम्हारे पूरे शरीर में जड़ता व्याप्त हो जाती है। हमें यहां हैरानी होती, पश्चिम में हम सुनते हैं कोई 90 वर्ष का व्यक्ति शादी कर रहा है, हमें बहुत हैरानी होती कि शादी का क्या प्रयोजन है अब। लेकिन पश्चिम में 90 वर्ष का बूढ़ा भी संभोग कर सकता है, और करने का कारण सिर्फ यह है कि वीर्य के संबंध में सारी धारणा बदल गई, और वैज्ञानिक धारणा सच्चाई के ज्यादा करीब है। जीवन के सभी अंगों में यह बात सच है कि उनका तुम उपयोग करो तो वो सक्षम रहते हैं। एक आदमी चलता रहे बुढ़ापे तक चलता रहे तो पैर मजबूत रहते, चलना बंद कर दे पैर कमजोर हो जाते। एक आदमी मस्तिष्क का उपयोग करता रहे आखिरी क्षण तक तो मस्तिष्क ताजा रहता, उपयोग बंद कर दे मस्तिष्क जड़ हो जाता। सारी इंद्रियों का जीवन उपयोग पर निर्भर है, क्रियात्मकता पर निर्भर है। तुम जिन इंद्रियों का उपयोग करते हो वो उतने ही ज्यादा दिन तक ताजी रहेंगी। और वीर भी एक इंद्री है, उसके लिए कोई अपवाद नहीं है, वो भी शरीर का ही अंग है। शरीर का नियम यह है कि तुम जितना ज्यादा उपयोग लोगे उतना ज्यादा जीवंत रहेगा। तुम भयभीत हुए, डरे, उपयोग बंद किया, उतने ही जल्दी शरीर क्षीण हो जाए। और ये एक दुष्ट चक्र है, क्योंकि जो व्यक्ति डरता है, कम उपयोग करता है, शरीर क्षीण होता है, क्षीण होने से और डरता है, और डरने से अपने को और रोकता है, और रोकने से और क्षीण होता है, फिर कोई उपाय नहीं, फिर उसने एक रास्ता पकड़ लिया जिस पर वो जल्दी ही मिट जाए। भय रोकता है, रोकने से हम मरते हैं। निर्भय होकर जीवन को ऐसा उपयोग करो, रोजा लग्जमबर्ग ने, एक जर्मन महिला ने कहा है,
जैसे कोई मसाल दोनों तरफ से जले, ऐसे जलो। घबराओ मत, तुम ज्यादा जलोगे, जीवन बड़ा विराट है, तुम्हारे दिए में बहुत तेल है, लेकिन तुम जलाओ ही ना बाती को, भयभीत हो जाओ तो तुम रुक जाओगे। सारी दुनिया में पुरानी संस्कृतियों सभ्यताओं ने वीर के संबंध में बड़ा भयभीत किया है लोगों को, इसके कारण, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति वीर के संबंध में भयभीत हो जाता है उसे गुलाम बनाना आसान है। आपने उसकी जड़ पकड़ ली, वीर जड़ है। अगर किसी व्यक्ति को काम वासना के संबंध में बहुत अपराध से भर दिया तो ये व्यक्ति न तो विद्रोही रह जाएगा न शक्तिशाली रह जाएगा, और सदा अपराध की भावना इसको दबाएगी। अपराधी को दबाना बहुत आसान है, तो राज्य भी चाहता है कि आप अपराध अनुभव करें, समाज भी चाहता है, सभी जिनके हाथ में सत्ता है चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा हो वो भयभीत रहे। भयभीत रहे तो उसकी मालकियत की जा सकती, उसका मालिक हुआ जा सकता। निर्भय हो जाए तो वो सब बंधन तोड़ देगा, सब रास्ते, वो स्वतंत्रता से जिएगा, विद्रोही हो जाएगा। तो बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं कि वीरी का स्खलन न हो जाए, संभालना। वीरी के संबंध में हम कंजूसी सिखाते हैं। और इसको हम ब्रह्मचरी कहते हैं, ये ब्रह्मचरी नहीं है, कृपणता ब्रह्मचरी नहीं है, और न वीरी को जबरदस्ती रोक लेने से ब्रह्मचरी का कोई संबंध है। ब्रह्मचरी तो एक ऐसे आनंद की घटना है जब आपका अस्तित्व के साथ संभोग शुरू हो गया, और इसलिए व्यक्ति के साथ संभोग की कोई जरूरत नहीं रह जाती। ये जरा कठिन है समझना, और अगर मैं कहूं तो बहुत बेचैनी होगी। संत वैसा व्यक्ति है जिसका अस्तित्व के साथ संभोग शुरू हो गया। वहां कोयल कूकती है तो उसका पूरा शरीर संभोग के आनंद को अनुभव करता है। वहां वृक्ष में फूल खिलते हैं तो उसके पूरे शरीर पर जैसी संभोग में आपको थिरक अनुभव होती है, उसका रुआ रुआ वैसा थिरकता है और नाचता है।